नमस्कार दोस्तों, जोगी ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम घर बैठे पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है और आपने अभी तक अपना पैन कार्ड नहीं बनाया तो बना लेना चाहिए, क्योंकि पैन कार्ड की ज़रूरत बहुत जगहों पर होती है। तो दोस्तों, अगर आप अपना पैन कार्ड बनाने की सोच रहे हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक पोर्टल जारी किया गया है, जहाँ से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से सिर्फ 10 मिनट के अंदर पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों, अप्लाई करने के 15 से 20 दिन के अंदर आपके एड्रेस पर फिजिकल पैन कार्ड भी आपको मिल जाता है। और दोस्तों, पैन कार्ड बनाने के लिए आपके पास सिर्फ दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला है आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और दूसरा है उस आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ आपके पास है तो आप आसानी से घर बैठे अपना पैन कार्ड बना सकते हो। तो अगर आप अपना पैन कार्ड बनाना चाहते हो तो ये वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना और ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी हर आने वाली इसी तरह की नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है NSDL पैन कार्ड और सर्च करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL। तो सिंपली उस पर क्लिक करना है तो आपके सामने ऑनलाइन पैन कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस पेज में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, पहला है अप्लाई ऑनलाइन और दूसरा है रजिस्टर यूज़र। तो यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन वाला ऑप्शन भी रहने देना है। उसके नीचे यहाँ पर आपको एप्लीकेशन टाइप सिलेक्ट करना है। तो एप्लीकेशन टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको न्यू पैन इंडियन सिटीजन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे यहाँ पर आपको कैटेगरी का ऑप्शन दिखेगा, तो उसमें आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन देने हैं। एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर सबसे पहले आपको टाइटल सिलेक्ट करना है, तो टाइटल में आपको श्री, श्रीमती या कुमारी में से जो भी हो सिलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे यहाँ पर आपको लास्ट नेम एंटर करना है, यानी कि अपनी सरनेम फर्स्ट एंटर करनी है। उसके नीचे यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम एंटर करना है और यहाँ पर आपको मिडल नेम एंटर करना है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आपका नाम दो अंकों का है, यानी कि आपका नाम और अपनी सरनेम, तो यहाँ पर लास्ट नेम वाले ऑप्शन पर आपकी सरनेम लिखनी है और फर्स्ट नेम वाले ऑप्शन पर आपको अपना नाम लिखना है। अगर आपके पास मिडिल नाम नहीं है तो इसे आप छोड़ सकते हो। उसके बाद दोस्तों, नीचे यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। उसके नीचे यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी एंटर करनी है और यहाँ पर आपका एक मोबाइल नंबर एंटर करना है। दोस्तों, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर वही नंबर एंटर करें जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो। उसके नीचे यहाँ पर इस वाले बॉक्स में यहाँ पर आपको एक कैप्चा दिखेगा, वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा। ये टोकन नंबर को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, अन्यथा कहीं पर सेव करके रख लेना है, उसकी आपको आगे ज़रूरत पड़ सकती है। तो टोकन नंबर सेव करने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नया पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप किस तरीके के पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, तो उसमें से दोस्तों आप पहले वाला सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपकी पूरी प्रोसेस डिजिटल होगी। लेकिन दोस्तों, उसमें आपके आधार कार्ड में जो फोटो होगा वही आपका फोटो पैन कार्ड में आएगा और यहाँ पर आपकी पैन कार्ड में सिग्नेचर भी नहीं आएगी। अगर आप दोस्तों दूसरे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, उसमें आप पैन कार्ड में जो फोटो लगाना चाहे वो लगा सकते हो और आपकी सिग्नेचर भी आप लगा सकते हो। और आप तीसरे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरे वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि क्या आप अपना फिजिकल कार्ड अपने घर पर मंगाना चाहते हो, तो यहाँ पर सिंपली यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके नीचे यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो नाम होगा वो पूरा नाम यहाँ पर एंटर करना है। उसके नीचे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आ जाएगी जो आपने पहले फिल की थी, उसको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा जेंडर, तो यहाँ पर आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके नीचे यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आपका कोई दूसरा नाम है, अगर है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। उसके नीचे यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आपके पैन कार्ड में आपके मदर की डिटेल एंटर करना चाहते हो, अगर मदर की डिटेल एंटर करना चाहते हो तो यस करना है, अन्यथा यहाँ पर आपको नो ही रहना देना है। उसके नीचे यहाँ पर आपको फादर की डिटेल एंटर करनी है, तो फादर की डिटेल में यहाँ पर सबसे पहले फादर का लास्ट नेम एंटर करना है, उसके बाद फर्स्ट नेम एंटर करना है और यहाँ पर मिडिल नेम एंटर करना है। जैसे हमने पहले अपनी डिटेल दी थी उसी तरीके से यहाँ पर आपको फादर की डिटेल देनी है। उसके नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप मदर की डिटेल देना चाहते हो तो दे सकते हो, अन्यथा ये ऑप्शनल है, इसे छोड़ सकते हो। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, इस वाले पेज में यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ इनकम बतानी है आपकी, कि आपकी इनकम कहाँ से आती है। तो अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। आपकी कोई बिजनेस से इनकम आती है तो सेकंड वाले ऑप्शन क्लिक करोगे। अगर आप होम प्रॉपर्टी से इनकम करते हो तो थर्ड वाला ऑप्शन क्लिक करोगे। ऐसे ही अगर आप स्टूडेंट हो और आपकी कहीं से भी इनकम नहीं आती तो लास्ट वाला नो इनकम वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे।
उसके बाद नीचे यहाँ पर एड्रेस और कम्युनिकेशन वाले सेक्शन पर यहाँ पर आपको रेसिडेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका रेसिडेंट एड्रेस एंटर करना है, जिसमें पहले अपना फ्लैट, रूम, डोर और ब्लॉक नंबर जो भी हो सिलेक्ट करना है। अगर आप विलेज में रहते हो तो आपके पास कोई फ्लैट नंबर या ब्लॉक नंबर नहीं होगा, तो उसे ऐसे ही छोड़ सकते हो। और उसके नीचे यहाँ पर आपको अपना विलेज का नाम एंटर करना है। अगर आप सिटी में रहते हो तो बिल्डिंग का नाम एंटर करना है। उसके नीचे यहाँ पर आपको रोड, स्ट्रीट, लैंड या पोस्ट ऑफिस एंटर करना है। उसके नीचे यहाँ पर आपकी सब डिस्ट्रिक्ट या अपना तालुका एंटर करना है। उसके नीचे यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्री नेम सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके नीचे यहाँ पर आपका एरिया का पिन कोड नंबर एंटर करना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल्स का सेक्शन आएगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको कंट्री कोड सिलेक्ट करना है। तो कंट्री कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप इंडिया लिखोगे तो आपका इंडिया का कंट्री कोड आ जाएगा, उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी शो होगा और यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी ऑलरेडी शो होगी जो आपने पहले दी थी। उसके बाद सिंपली नीचे आ जाना है। और दोस्तों यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि क्या आप इंडिया से बाहर रहते हो। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हो तो यहाँ पर यस करना है, अन्यथा यहाँ पर नो करना है और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने अगला वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अपना एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर देना है। ये सारे कोड आपको पता नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर अभी कुछ नहीं एंटर करना है, सिंपली नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको फॉर हेल्प ऑन एओ कोड सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग वाला सेक्शन दिखेगा। उसमें यहाँ पर आपको फर्स्ट इंडियन सिटीजन वाला ऑप्शन कोड सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही इंडियन सिटीजन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपके सामने दो कॉलम आ जाएगी। इसमें पहले वाले कॉलम में यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपकी सिटी सिलेक्ट करनी है। तो जैसे ही स्टेट एंड सिटी सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर इस बॉक्स में आपके एरिया में जितनी पैन कार्ड की ऑफिस है उसका एड्रेस शो करेगा। तो इनमें से कोई भी एक को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर ऊपर आपका एओ कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज ओपन होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन दिखेगा जहाँ पर लिखा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो हम सबसे पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर हम प्रूफ ऑफ एड्रेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी हम आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे। और सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में भी आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे। उसके नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन का सेक्शन दिखेगा, जिसमें यहाँ पर आपका नाम ऑलरेडी शो होगा। उसके नीचे यहाँ पर आपको एक कॉलम दिखेगी, उस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको हेम सेल्फ और हर सेल्फ सिलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे यहाँ पर आपको प्लेस के ऑप्शन में आप जहाँ से भी एक के लिए अप्लाई कर रहे हो उस एरिया का नाम एंटर कर देना है। उसके नीचे यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी शो करेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन दिखेगा, जिसमें यहाँ पर आपको एक फोटो अपलोड करना है और अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन दिखेगा, वहां पर क्लिक करके अपनी फाइल से यह फोटो अपलोड कर लेना है और उसी तरीके से यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि आप जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो उसकी साइज 50 KB के अंदर आनी चाहिए, 50 KB के ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप फोटो और सिग्नेचर सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड करोगे तो यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर आपको शो करेगा। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में हमने जो ऊपर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए जो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया था, जैसे कि हमने आधार कार्ड सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड का PDF अपलोड करना है हमें और वो PDF की साइज 300 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको पता नहीं कि आधार कार्ड की PDF कैसे डाउनलोड करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आ जाऊँगा। वो वीडियो देख के सिर्फ 2 मिनट में आप अपना आधार कार्ड का PDF डाउनलोड कर सकोगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आधार कार्ड का PDF अपलोड करने के बाद सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों पर्सनल डिटेल वाले सेक्शन में यहाँ पर आधार कार्ड का फर्स्ट का 8 नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। पहले हमने लास्ट का 4 नंबर एंटर किया था, अब यहाँ पर आपको फर्स्ट का 8 नंबर एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका नाम ऑलरेडी शो हो जाएगा। उसके नीचे यहाँ पर आपको फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट का सेक्शन दिखेगा, यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आ जाएगी जो हमने पहले फिल की थी। तो उस पर कुछ नहीं करना है, सिंपली नीचे स्क्रॉल कर देना है। और लास्ट में यहाँ पर आपको एक एडिट का सेक्शन दिखेगा, अगर आप इस एप्लीकेशन में कुछ चेंज करना चाहते हो तो ये एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो, अन्यथा यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो इस वाले सेक्शन में हमें पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको 2 मोड दिखेंगे, पहला है ऑनलाइन पेमेंट थ्रू ATM और दूसरा है ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल चेक। तो हमें सिंपली ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर बताया है 106 रुपये और 90 पैसे यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। ये पेमेंट आपको क्यों करना होता है वो भी यहाँ पर बताया है।
अब दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ सर्विस वाला ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर इस बॉक्स पे टिक कर देना है और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपकी ट्रांजेक्शन आईडी आ जाएगी, तो सिंपली यहाँ पर आपको पे कन्फर्म पर क्लिक करना है। तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपके पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, वॉलेट या कैश कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, QR कोड से पेमेंट कर सकते हो और UPI ID से भी पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों हम सिंपली यहाँ पर डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, तो हम यहाँ पर डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड के डिटेल देने हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, जो भी डेबिट कार्ड है उसे आप पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमें कार्ड नंबर एंटर करना है, उसके नीचे यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट एंटर करनी है, यहाँ पर आपको मंथ सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको CVV नंबर एंटर करना है, जो आपके डेबिट कार्ड के पीछे 3 अंक का नंबर होता है, वो CVV नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। और उसके नीचे यहाँ पर आपको कार्ड होल्डर का नाम एंटर करना है, आपके ATM कार्ड में जो नाम होगा वो सेम नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा, वो OTP को इस वाले बॉक्स में एंटर करना है और यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही OTP एंटर करके सबमिट करोगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको पेमेंट रिसिप्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर इस वाले बॉक्स पर टिक करके ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको एक OTP ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली उस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने अगला पेज इस तरीके से ओपन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा, तो इस वाले पेज को यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर वो OTP एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखेगा कंटिन्यू विथ ईसाइन, तो सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, यहाँ पर दोस्तों इस वाले बॉक्स पर टिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है, आधार कार्ड का नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। तो जैसे ही सेंड OTP पर क्लिक करोगे तो फिर से आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा, वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। अगर बाई चांस यहाँ पर OTP ना आए तो यहाँ पर रिसेंड OTP पर क्लिक करके आप दोबारा से OTP मंगवा सकते हो। तो यहाँ पर OTP एंटर करने के बाद सिंपली वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों अब हमारा पैन कार्ड का एप्लीकेशन सबमिट हो गया है और यहाँ पर बताया गया है कि थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर PAN एप्लीकेशन। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपकी सारी डिटेल रहेगी। तो उसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको डाउनलोड PDF का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली उस पर क्लिक करना है। तो उस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पर आपको PDF ड्राइव में ओपन कर लेना है। तो ओपन करते वक्त यहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा, ये पासवर्ड में यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। अगर मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 30/5/1994 है तो यहाँ पर आपको टाइप करना है 30051994। इसी तरीके से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि उसमें आपको कोई भी फेस नहीं देना है, एक साथ सारी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और उसके बाद यहाँ पर ओपन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही ओपन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी, इसमें यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आ जाएगी जो आपने फिल की थी पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए, वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। उसे स्क्रॉल करके यहाँ पर आप सारी डिटेल देख सकते हो और यहाँ पर नीचे आपका आधार कार्ड भी आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपका पैन कार्ड अप्लाई यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद 15 से 20 दिन के अंदर आपके एड्रेस पर फिजिकल पैन कार्ड मिल जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि अगर आपको पैन कार्ड अप्लाई करते वक्त अगर आपका पेज लॉग आउट हो जाता है और आप बीच में से बाहर निकल जाते हो तो आप पहले वाले पेज में आ जाओगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर्ड यूजर, तो सिंपली उस पर क्लिक करना है। तो उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको टेम्पररी टोकन नंबर एंटर करना है, जो हमने आपको सेव करने के लिए बोला था वो टोकन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी एंटर करनी है, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और यहाँ पर आपको एक कैप्सा कोड एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट वहीं पर पहुंच जाओगे जहां से आप बाहर निकले थे। तो दोस्तों इस तरीके से आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आपको पैन कार्ड अप्लाई करते वक्त कोई क्वेरी आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी क्वेरी सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।